नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैलेश खवानी और आपके साथ इस सेशन में डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी के एफर्टलेस वेट लॉस यानी EWL प्रोग्राम के संबंधित मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। मैं ये प्रोग्राम फरवरी 2019 यानी पिछले 7 महीनों से कर रहा हूं और मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले हैं, जिसमें न कि सिर्फ मेरा वज़न 105 से घट के 87 तक पहुंचा है, बल्कि मेरे डायबिटीज़ में भी बहुत ही सुधार आया। जो मेरा HbA1c पहले 7.2 था, वह घट के 6.8 तक पहुंच गया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले मैं कुछ बातें डिस्क्लेमर की तौर से बताना चाहूँगा। पहली बात, जो मैंने ये एक्सपीरियंस शेयरिंग करने का प्लान किया तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही किया है। ये उन लोगों के लिए है जो मोटापा और डायबिटीज से लड़ रहे हैं और उसके ऊपर जीत पाना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं आज जो भी कहूँगा ये सिर्फ मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और जो मैंने इंटरनेट या यूट्यूब पर जानकारी हासिल की है। मैं अपने आप को कोई डॉक्टर या डायटिशियन नहीं प्रोक्लेम कर रहा हूँ। आपको ये राय है कि यदि आप ये डाइट प्लान से प्रभावित हुए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर दीक्षित की टीम से संपर्क करें या उनके YouTube वीडियो को देखने और खूब तरह से समझने के बाद ही आगे बढ़ें। उनकी YouTube और कॉन्टैक्ट नंबर की सारी डिटेल्स मैं कमेंट्स और नोट्स में शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं सूरत में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रोफेशन में हूं और मेरा काम बिल्कुल सेडेंटरी किस्म का है, यानी कि बहुत ही कम मूवमेंट्स होती है दिन भर में। दूसरी बात, मैं बाय नेचर बचपन से ही फूडी हूं, या यूं तो कह लीजिए कि मैं जीने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए जीता हूं, और खाने में सब कुछ लेकिन वेजिटेरियन खा लेता हूं, चाट, फास्ट फूड, स्वीट्स, फरसान इत्यादि इत्यादि। और फिर सूरत से हूँ जो कि चटोरियों की नगरी कहलाता है। इसकी वजह से मेरा वजन, मेरे वजन के मामले में खूब तरक्की हुई है। हर दशक में यानी 10 साल में मैं लगभग 10 किलो का इजाफा कर लेता था। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा भी होता था, लेकिन कोई उपाय न होने के कारण कुछ नहीं कर पाता था। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रयास नहीं किया, खूब जोश से कोई भी प्लान शुरू करता था, लेकिन मैं 5-7 किलो कम होने के बाद फिर से 2-3 महीने में जहां था वहीं पहुंच जाता था, बल्कि और बढ़ जाता था। मैं इतना थक चुका था कि बहुत बार भगवान से भी मदद की गुहार लगाता था। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि मेरी तरह से बहुत से लोग होंगे जो बिल्कुल निराश हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि अब हमसे ये वजन घटाना जिंदगी भर संभव नहीं होगा। यह शेयरिंग मैं उनके लिए ही कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है यह कह के ही कि अगर तुम कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। जी हां, बिल्कुल, मैंने अपने आप को
खाने पीने के मामले में बहुत वीक किस्म का इंसान मानता था। जहां कुछ टेस्टी चीज दिखी खाना शुरू। कभी कभी तो खाने के बाद भी अगर कुछ मेरी पसंद की चीज किसी ने ऑफर की तो मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता था। चलिए अब यह दीक्षित प्लान के बारे में कुछ संक्षेप में बताता हूं। देखिए यह प्लान बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ इतना करना है कि दिन में सिर्फ 2 बार खाना है और इसके बीच में कुछ भी नहीं। जी हां, बिल्कुल कुछ नहीं। कोई भी हल्की फुल्की चीज भी नहीं, कुरमुरे, पॉपकॉर्न, वो खाखरा इत्यादि इत्यादि कुछ भी नहीं। ये रूल नंबर 1। ये कब करना, ये कब खाना खाना है, इसका कोई रूल नहीं है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहो खा सकते हो, लेकिन जो टाइमिंग डिसाइड किया आपने उसे मेंटेन करने की कोशिश करें। कोशिश करें, बहुत कंपल्सरी रिजिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह ऑफिस जाने के पहले 10:30 को खाना खा लेता हूं और फिर ऑफिस से आने के बाद रात को 8:30 दूसरा मील कर लेता हूं। और क्या खा सकते हैं? जी हां, आप जो भी पहले खा रहे थे वो सब खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जंक फूड थोड़ा लिमिट में खाएं। नहीं खाएं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत खाने की जरूरत इसीलिए है कि अगर आपने बिल्कुल अपने आप को लॉक कर दिया तो क्या होगा, ये प्लान अब बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। अपने आप को इतना कंफर्ट जोन में रखिए कि आप इसको जिंदगी भर अडॉप्ट कर सके। ये कंफर्ट होना बहुत जरूरी है और ये मैं मानता हूं ये मेरे लिए जो सक्सेस जो मैंने अचीव किया, जो कंफर्ट लेवल से आसानी से मैंने ये अचीव किया, इसके मेन यही फैक्टर है कि इवन दीक्षित साहब ने जो रेकमेंड किया कि मैं डायबिटिक हूं, तो डायबिटिक होने की वजह से उन्होंने रेकमेंड किया था कि भाई बिल्कुल स्वीट्स बंद करिए ये 3 महीने के लिए, लेकिन मैंने स्वीट्स बंद करना नहीं छोड़ा। और वो इसीलिए नहीं छोड़ा कि अगर जानता था कि अगर मैं बिल्कुल स्वीट्स बंद कर दूंगा तो मैं बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डायबिटिक होने के बावजूद स्वीट्स डेली बेसिस पर हर मील के बाद खाने के बावजूद मेरा HbA1c जो डायबिटीज का एक टेस्ट है, उसका रिजल्ट 7.2 से घट के 6 महीने में 6.8 तक आ गया, जो डॉक्टरों के मुताबिक भी बहुत ही बढ़िया है। मुझे ये बहुत खुशी होती है कि जब मेरे डॉक्टर से मैंने ये सब बातें की, वो इतना खुश हुआ कि तेरे जैसा आदमी ये प्लान कर सकता है तो ये प्लान में जरूर दम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे मैंने बताया कि ये कब खाना है, खाना आपको अपने हिसाब से करना है, और क्या खा सकते हैं, जी हाँ सिर्फ 2 मील्स में जो आप खा रहे थे वो। हाँ, अब बहुत जरूरी है कि पूरे दिन बाकी का टाइम जब आपका जिप लगा हुआ है मुंह पर, तब आप अपने भूख को मिटाने के लिए बीच में कोई भी नॉन कार्ब्स वाली चीजें खा सकते हैं। नॉन कार्ब्स वाली जैसे कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, बिल्कुल पतले दूध वाली चाय, छाछ या बटर मिल्क। लेकिन याद रखिए, वो भी सिर्फ 2 चम्मच दही से बनाई हुई और कोई मसाले बगैर, सिर्फ
नमक डालें अगर चाहिए तो, और यदि बहुत भूख लगे तो कभी कभी एक छोटा सा टमाटर भी खा सकते हैं। अब दूसरा प्रिंसिपल, आप जब भी खाना बैठे तो जो भी खाना है वो सिर्फ 55 मिनट में कंप्लीट करना है। जी हां, पहले निवाले से लेकर मुखवास तक, इवन पान खाना है तो वो भी 55 मिनट में ही, और उसके बाद अपने मुंह की जिप बंद कर देनी है। यह शुरुआत में सुनने में लगेगा कि यह बहुत आसान है, लेकिन 55 मिनट कब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको खाना जो है धीरे धीरे है, मैं वो भी थोड़ा सा बात करूंगा अगर टाइम मिले तो। ये दोनों प्रिंसिपल यूं ही नहीं है, ये दोनों बहुत साइंटिफिक है, कोई ऐसे वैसे ही नहीं ये 55 मिनट का कंसेप्ट दिया है। वो सब डिटेल मैं किसी दूसरे सेशन में शेयर करूंगा, लेकिन ये जो 55 मिनट का कंसेप्ट और ये दो बार खाने का कंसेप्ट, वो बेसिकली डॉक्टर साहब दीक्षित साहब ने इंसुलिन मैनेजमेंट के हिसाब से ये सजेस्ट किया हुआ है। ये रही दो मेन प्रिंसिपल्स। तीसरी प्रिंसिपल, जो डायबिटीज वाले हैं उनको पहले से भी पता है कि आपको कम से कम 45 मिनट्स वॉक करना है दिन में, 5 या 6 किलोमीटर के स्पीड पर। अब ये शायद वजन के लिए नहीं, लेकिन अपने फिटनेस के लिए ये बहुत काम का साबित हो सकता है। तो ये मेजर तीन प्रिंसिपल्स हैं जो अपने इस पे लेआउट किए हुए हैं, और डिटेल में आपको जो समझना है जो मैंने बताऊंगा, ये पूरा लिंक जो मैं शेयर करूंगा उसमें आप देखिए पूरा ठीक तरीके से, ठीक है। अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस, यहाँ मेरा जो अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं इतना सक्सेसफुली अडॉप्ट कर पाया, वो ये है कि शुरुआत में जब जैसे मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैं दिन में खूब छाछ पीता था, 4 से 5 ग्लास। इससे मेरी भूख बिल्कुल काबू में आ गई, और इतना चटोरापन मेरा दूसरे दिन से ही मेरे लिए कोई समस्या नहीं खड़ी कर रहा था। अपना शरीर जो है ना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट चीज है। अभी तक हमने हमारे पेट पर बहुत ही लोड दिया, जैसे ही ये आप प्रोग्राम ये शुरू करेंगे, आपका पूरा शरीर आपको सहयोग करने शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपका पेट आपको भूख से परेशान करना बंद कर देगा, आपकी जबान हर चीज को देखकर जो लार टपकाती थी वो छोड़ देगी। यदि आपको खाने की वजह से कोई एसिडिटी, सर दर्द इत्यादि भी होता था तो वो भी बंद होने की संभावना हो जाएगी। अब और आप इस प्रोग्राम में बहुत ही आसान तरीके से अपने मोटापे पे काबू कर पाएंगे। ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे। ये मेडिसिन जो है, जो आप मेडिसिन पहले डायबिटिक के लिए जो आपने ले रहे थे, वो मेडिसिन को आपको बिल्कुल चालू ही रखनी है, और 2-3 महीने में, मैंने भी अपनी मेडिसिन चालू ही रखी है, और 2-3 महीने में डॉक्टर को बताने के बाद में ही चाहे डॉक्टर बोले तो उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अभी ये प्रोग्राम जो है ना, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे ये प्रोग्राम आप शुरू करेंगे, ओके, आपका वजन
चाहे इतना नहीं घटे, ये प्रोग्राम जो साइंस इसके पीछे है, ओके, जो इंसुलिन का, ये आपके एब्डोमिनल गर्थ, गर्थ यानी जो फैट है, आपका एब्डोमिनल गर्थ ही आपका सबसे पहले कम होना शुरू होगा। मेरा स्टमक का डायमीटर, सॉरी सरकमफ्रेंस 56 इंचेस पहले था, एक समय पर जब शुरू किया था 56, 56 इंच का सीना होने की जगह पर 56 इंच का पेट था मेरा, और आज वो कम होकर 24x2 48 इंचेस पर आ गया है। आप सोच सकते हैं 6 months to 7 months में 56 से 48 इंचेस, और मैं अभी जो मेरी शर्ट्स है वो 40 साइज पर आ गया हूँ, 46 से 40 साइज पर, और मेरे ट्राउजर्स भी 46 से 40 साइज पर आ गए। तो स्टमक इज द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स अट्रैक्ट। हाँ, वॉकिंग करनी है कि जिम भी जा सकते हैं? हाँ, ये एक्सरसाइज जो है वो आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, जिम में ट्रेडमिल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें जो एरोबिक, एनारोबिक और IIHT बोलते हैं, ओके, इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, ओके, वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ओके, डॉक्टर की सलाह लेकिन लीजिए। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ये मैं पर्सनल लेवल पर ये शेयरिंग कर रहा हूँ जो मैंने पाया है, और मुझे इतना मतलब खुशी होती है कि अगर मेरे तरह और 10 आदमी करेंगे मेरे को ये प्रभावित होकर, तो मेरा ये सेशन करने का मकसद सक्सेसफुल हो जाएगा। और कोई क्वेश्चंस? आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, और आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, या तो आप डॉक्टर दीक्षित से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनके पास भी टीम है, डॉक्टरों की टीम है, जो आपको एक पूरी तरीके से गाइड करेंगे, आपको साइंटिफिकली वो इंसुलिन का टेस्ट निकलवाएंगे, HbA1c का टेस्ट मांगेंगे, आपके मेडिकल हिस्ट्री मांगेंगे, और उसके बाद में ही सजेस्ट करेंगे। इसीलिए कोई भी ये हड़बड़ी में ये प्रोग्राम शुरू मत करिए, एक अच्छे तरीके से साइंटिफिकली इसको करिए। ये मैंने पहले ही डिस्क्लेमर में बोल दिया था, नहीं तो आप बोलेंगे यार ये सैलेश भाई की वजह से हम लोग फंस गए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड प्लीज गिव मी ऑल योर कमेंट्स, फीडबैक, एंड ये सेशन में और क्या करना चाहिए, या और कौन से टॉपिक पर मैं और बात, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंसेस, ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मैं 2-2 घंटे का ये सेशन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो छोटे छोटे सेशंस में टॉपिक ओरिएंटेड मैं बनाऊंगा, और जरूर अपने ये शेयर करूंगा सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू।